कितनी जगह ले जाएगी, कहाँ जाना पड़ेगा, ये कभी मत सोचो कि यहाँ कोई तुम्हारा अड्डा बना दिया, कोई खूटा गाड़ दिया, उसी में आपको बांध दिया। नहीं, यहाँ बंधन मुक्त कराने का काम है, तो एक जगह बांधा नहीं जाए। चलते रहो, देखते रहो, चलते रहो, देखते। अब नए लोग आएंगे, उनका भी लगना चाहिए। हमारा तो लग गया, बन गया, उन बेचारों का तो अभी आए नहीं कुछ। जो आने वाले हैं उनके लिए भी तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उनका कर्म कर्जा कैसे अदा होगा, उनकी कमाई परमात्मा में कैसे लगी, उसका लाभ उनको कैसे मिलेगा, तो उनको भी तो लाभ देना। इसलिए ये व्यवस्था अभी बंद नहीं हुई, ये बराबर चलती रहेगी। क्यों, तुम्हारा गुरु परिवार इतना बड़ा है कि इतनी जमीन में गुजारा नहीं हो, दिक्कत पड़ रही। तो निरंतर आपसे एक ही सेवा का आह्वान किया गया, भूम सेवा, वो भी अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपके गुरु परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए। मैं क्या करूँ, हमें तो कोई जरूरत, मतलब वहाँ से उठा, यहाँ झोपड़ी में आ गया, और कहीं देखेंगे वहाँ झोपड़ी चला जाओ, ऐसा नहीं है। मैं किसी संपत्ति में, सामान में, मान में, सम्मान में बंधा नहीं, पता नहीं कब छोड़ के चल दूँ। और आप देख रहे हो अनुभव, नैमिषारण्य से आपको अनुभव कराया जाए। जब बन के वहाँ तैयार हो गया सतगुरु धाम, तो लोग समझते थे उसी में रहेंगे, वो बढ़िया वी आई पी बनवाया है। तो अपने मैं रोज कहता, नहीं भाई, हमारी पहचान झोपड़ी है, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, झोपड़ी में रहूँ। तो अचानक जब वो सब बन गया, तो एक दिन ऐसी अंदर में प्रेरणा हुई कि चलो, तो चलो यहाँ शांति भंग हो रही है, तो गाड़ी ले और फट से जंगल में, उसी जंगल में, वो ज्ञान आश्रम जहाँ बना, वो जंगल बहुत भीषण जंगल था, शेर चीते रहते थे उसमें, दिन में लोग नहीं आते थे, डरते थे। तो मैं आया और देख के चला गया, दूसरे दिन आके बैठ गया कि भैया मैं तो यही रहूँगा। एक पन्ने प्लास्टिक की, मतलब यानी झोपड़ी बनाई, और ऐसा नहीं कि हम तुमको रखते हैं, हम भी वैसे रहते, हम कोई महलों मकानों में नहीं रहते। आपको अगर झोपड़ी में रखता हूँ तो मैं भी झोपड़ी में रहता, और हमको ये पसंद बहुत, हम उसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे, वहाँ भी गुजारा हो जाएगा, वहाँ भी हमको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, और जिसको ज़रूरत है उसके पास सब कुछ है। यही प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति ने नियम बना दिया कि चा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो साहब के साथ, वो बादशाहों के बादशाह जिनको काल माया का कोई सामान चाहिए ही नहीं, कोई इच्छा नहीं लेने की, रखने की, ये की, वो की। आपकी व्यवस्था है, आपके नाम पे देखो कितनी जमीन लेगी स्वाभाविक लोगों के नाम, मैंने तो अपने नाम कुछ रखा नहीं, कछु मेरा कोई नाम है नहीं, तो फिर रखोगे क्या? अब जो नाम मालिक दे देगा उसी नाम से जाना जाऊंगा, उसी नाम से लोग काम देखेंगे, वही नाम से पुकारने लगे, इसलिए उनका कोई नाम, वो तो माँ बाप ने अपनी परिचय के लिए कोई ना कोई नाम तो रखे थे, लेकिन वो नाम नहीं है उनका असली नाम, जिस नाम से काम, जिस नाम से काम किया जाता वही उनका नाम। अब ये धीरे धीरे जीव नहीं जानता, अचानक देखिए आप कि नाम तो कुछ और शरीर, लेकिन कहा मैंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, सिद्ध किया और उसी से काम कर रहा हूँ, ये नाम न तुम्हारा न मेरा, लेकिन हमको लोग बाबा जय गुरुदेव कहते हैं, ये कहा कहते हैं लोग हैं, इनका कोई नाम नहीं, नाम न रूप, न कोई नाम है न कोई रूप, ये पांच तत्वों का पिंडा है, ये पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा, तुम्हारा कोई रूप नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई स्थान नहीं, खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। तो जाने के पहले ही छोड़ दो तो दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी आपको, लेकिन जाने के पहले छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया, अपना मानकर आप उसको फंस गए, उसी में बंध गए,
तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 आपको देखो अलग किया जा रहा है। कभी एक महीने, कभी दो महीने आश्रम पर रहे, कभी तीन महीने रहे, कभी कुछ लोग तो जब से आज जब से गए नहीं, देखो अपने आप छूट रहा घर मकान आपको, जबरदस्ती नहीं की जा रही स्वेच्छा से। अब कहते रहे वहाँ क्या रखा भी, यही ठीक है, ऐसे बन के कम से कम ठंडे तो यहाँ रहोगे, जैसे पत्थर पिघलता नहीं पानी में, लेकिन एक पानी में पड़ा पत्थर एक धूप में अंतर है, वो तपता है आप बैठ नहीं सकते हो जल जाओ, और पानी वाला ठंडा आप प्रयोग कर सकते हो। उसी तरह से ये धीरे धीरे आपको निकाला जाए, धीरे धीरे आपको घर गृहस्थी में जो आप रहे उसका अनुभव आपके पास। अब जरा विरक्ति का अनुभव कर लो कि उसमें तो कुछ मिला नहीं, सब चला गया और आप लुट गए सब तरफ से, शारीरिक शक्ति भी खर्च यानी लुटा दी, जो पैदा किया हो गया सब चला गया, तो तुम्हारे पास बचा क्या? क्या तुम इसी काम के लिए आए थे? तुम अपना काम भी नहीं समझ पाए, तुम्हारा काम है जीवात्मा जी के घर पहुंचे और कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गए। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से आपको निकाला भी जा रहा, कभी एक महीने, कभी दो महीने, कभी तीन महीने, और आपसे संयम ब्रह्मचर्य का पालन भी करा लिया जा रहा। वैसे आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आप इतने आदि भोगों के हो, बगैर उसके तुम रह ही नहीं सकते, लेकिन कैसे धीरे धीरे आपको अलग किया जा रहा, आपको निकाला जा रहा, आपकी शारीरिक शक्ति की रक्षा हिफाजत की जा रही है, सब काम आपके साथ हो रहा। यहाँ आप जाकर भी कर रहे हम कुछ है, वही हम आश्रम में रहते, आश्रम की कोई ना कोई मर्यादा, गुरु की कोई ना कोई मर्यादा है, अगर मर्यादा को समझ लिया तो तुम्हारा इसी मर्यादा में काम बन जाए। कुछ आपको करना काम, जब करने वाला तुम्हारे साथ तो तुम्हें करने की क्या जरूरत, लेकिन अगर कुछ न कराया जाए तो तुम पहले तो बिगड़े और बिगड़ जाओ। तो कहा गया एक बांस गाड़ दिया कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो इस पर, ये बांस गाड़ दिया सुमरन का, ध्यान का, भजन का, हमारा करो आंख बंद करो कान बंद करो, हमारा करो आंख को बंद करो कान बंद करो, इसमें आपको लगा दिया गया कि उधर से हटने का रास्ता यही है। इस रास्ते से आप यानी हट भी सकते हो, और ज़्यादा समय देकर अगर कुछ सिद्ध कर लिया तो जा भी सकते हो, वो तो तुम्हारे करने पर और दया करने पर ही होती है। ऐसे नहीं निकाली दया तो क्या तुम दया को समझ लोगे? क्या अभी तक समझ पाए जो दया की गई, या की जा रही उसको भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि दया कोई दिखाई तो देती नहीं, अनुभव की जाती। इसलिए ये सब अनुभव ही तो आपको कराया जा रहा, मैं आपको अचानक ज्ञान दिया है, आपको जानकारी नहीं थी, बताया भी नहीं, इसीलिए ले आया, ये भी आप नहीं जानते, बस ये है हम आ गए, और आगे तो कोई ना कोई काम आपका हो रहा। इन बच्चनों को काम तक पहुंचाया जा रहा, कानों से आपने गंदे अश्लील भद्दे शब्दों को सुना है, वो भी गंदगी वहाँ, तो जब ये सत्संग बच्चन जाएंगे तो उस गंदगी को निकाल के बाहर करें, तो धक्का मार के निकाल दें, तो आपका सब तरफ से तूतीकरण किया जा रहा, कान शुद्ध आए, आँख शुद्ध हो जाए, चलना शुद्ध आपका सही हो जाए, सोचना समझना करना कराना ये सब दुष्पाग जो काम हो गया वो कर रहे ही क्या। इसको इस मंदिर को आपको सुरक्षित रखना है, ये मानव मंदिर है, इसके मुकाबले कोई मंदिर नहीं, वो सब जड़ है, ये चेतन, चेतन मंदिर केवल यही एक ही है, और चेतन मंदिर कहीं ना वो मंदिर कहीं जा सकता, न बोल के आपको बता सकता, न कुछ उठा के दे सकता, न आपका ले सकता कुछ नहीं, क्योंकि चेतन लेने देने बताने का काम चेतन करता जड़ नहीं। अब बेचारे जब चेतन मिला नहीं तो जड़ ही फंस गए, और इतना फंस गए कि वहां से हटना मुश्किल है। कहते नहीं हमने भी पूजा नहीं की, हमने भी घंटी नहीं हिलाई, हमने शंख नहीं बजाया, हमने चंदन नहीं लगाया, इसलिए मेरे सब बेचारे फंस गए,
लेकिन ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ लगा रहे, तुमके कहाँ लगाना चाहिए, लगाने वाला कोई हो तब तो तुम्हारे लगाने का लाभ देगा, और पत्थर में लगा रहे तो बेचारे वो क्या लाभ देगा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि इतनी पत्थर ही हो गई कि तुम अच्छी सच्ची आवाज समझ नहीं पा रहे हो, जड़ चेतन में अंतर नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम बिगाड़ा आपने बहुत, इतना बिगाड़ दिया, उसी बिगाड़ में फंसे हो, अब निकलना मुश्किल। जाओ उनसे पूछो कि भाई यहाँ आते हो तो कुछ मिला होगा, कल मिला क्या, फिर क्यों आते, आदमी कहाँ जाता, कुछ पाने के लिए जाता, खोने के लिए थोड़ी जाता, तुमको क्या मिला और कितने दिन से कर रहे, और जिसका कर रहे वही नहीं मिला, कि देवी देवता का नाम लेके आप पूजा पाठ कर रहे हो, यानी उसको बुला रहे हो, क्या कभी वो आया, क्या तुम्हारे बुलाने पर बोला, क्या तुम्हारी कोई मदद की, कदे कुछ नहीं, तो जब कुछ नहीं की तो छोड़ ही नहीं पा रहे। अब आप समझो जब उसको नहीं छोड़ पाया तो ये चेतन को कैसे पकड़ेगा, चेतन में विश्वास कैसे करेगा, जबकि काम चेतन ही करता, जड़ तो कुछ कर ही नहीं सकता, जड़ माने मुर्दा, मुर्दा क्या करे। तो ये सब जानकारी सत्संग के माध्यम से यहां शुरुआत की गई, क्योंकि सत्संग पहले था नहीं, पहले कथा वार्ता सुनाई जाती थी, शुभ कर्म करने की, और वो भी बेड़ी थी, वो भी बेड़ी ही थी, एक पाप बेड़ी एक पुण्य की बेड़ी, और बेड़ी तो दुखदाई होगी, कोई हो, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, दुखदाई तो होगी। अब बेड़ी का भाव यानी नहीं रहा, और मतलब यानी अच्छा भाव कर रहे यार बेड़ी सोने की तो है, अरे सोने की चांदी के लिए वो तो उतनी खलेगी जितनी लोहे वाली उतनी ये खलेगी, बेड़ी तो बेड़ी है, इन बेड़ियों से तुम कैसे मुक्त हो, उसके लिए आपको सत्संग की महती आवश्यकता, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा, और उतना सुनो जितना हजम कर सको, और मालिक से फरियाद करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, आपके वचनों को समझने की, रखने की, और रखकर विश्वास करके उस पर चलने की, ये आपको फरियाद करनी चाहिए। तो जरा देखो कि महापुरुषों ने किसकी प्रार्थना करा, जड़ की चेतन की प्रार्थना किसकी करो, जड़ की चेतन है भी नहीं मालूम, और वो पत्थर के सामने हाथ जोड़े खड़े, बेचारा देख भी नहीं रहे हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े, क्या कह रहे, कुछ नहीं, ना उसके कान है, ना उसके आँख है, ना उसके पैर, ना हाथ है, आपने बना दी शकल, केवल शकल आपने बनाई है, लेकिन उससे वो कोई काम नहीं कर सकता, ना काम कर सकता है, ना तुमको काम करने की शक्ति कोई प्रेरणा दे सकता। तो महापुरुषों ने ये बताया कि भाई अब आपको प्रार्थना किसकी करनी, जिससे कुछ मिले, अगर देने वाला सामने है तो तुम्हारी फरियाद सुनेगा वो, और सुन करके आपको मेहनत के अनुसार आपका फल भी मिलेगा, लेकिन जो है ही नहीं वो क्या देगा। इतनी छोटी बात अभी तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये सब आए, लेकिन इसी जड़ता में फंस के रह गए, चेतन की बात तो की नहीं, सब उसी की पूजा, रामायण कृष्णा दिग्विजय वही लिंग बना के पत्थर का लिंग बना दिया, और कहा भगवान शंकर, जब वो फंसा है तो तुमको कैसे निकालेगा, वो भी नहीं समझ पा रहा, ये तो पत्थर है, पत्थर तो बोलता चलता कुछ नहीं, ना कुछ देता लेता, लेकिन जब वो तुम्हारा भगवान ही फंस गया तो बेचारा इंसान क्या करेगा, इंसान तो उसी भगवान के सहारे बैठा है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या बताएंगे, तो मतलब यानी तुम भी तुम्हारे जैसा भगवान है वैसे तो कोई अंतर नहीं, कहा नहीं गंदा गुरु और बहरा चेला तो हुए नरक पर ठेली, गुरु गंदा है जिसकी दिव्य आंख खुली नहीं, और जो सुना रहा तो चेले की दिव्य कान खुला नहीं तो सुनेगा क्या, तो दोनों गुरु अंत मधिर कर लेखा, एक ने सुने एक नहीं देखा, कहा अंधे मेरे की कथा कि ना उसकी आँख गुरु की खुली और ना उसने को देखा, तो वाणी से बयानी क्या करेगा, क्या सुनाएगा,
जिसका को गुरु बदगा है और चेला बहरा है, दोनों झगड़ा हो रहा। वो कह रहा कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, नहीं जानते तो आप गुरु क्यों बन गए, पहले बताते हमारे पास नहीं है, हमने खुद ही नहीं पाया, तुम्हें क्या मिला पाएंगे। लेकिन ये कोई कहेगा नहीं, अगर कह देगा तो उसका लाभ छिन जाएगा। लेकिन धीरे 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 अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है, ऐसे नहीं सबका समय निश्चित निर्धारित। अब ये खराब समय आ गया, ये भी नहीं रहेगा। अगर ना आए तो अच्छे खराब की पहचान है, आप क्या करो। अब आपको मालूम है कि कलयुग कितना खराब, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला, ना न्याय करने वाला, ना रक्षा करने वाला। अब आपको यहाँ चलना फिरना उठना बैठना रहना बड़ा मुश्किल हो रहा। तब आप जानोगे काल कितना खराब था। अगर खराब ना होता तो संत महापुरुषों ने क्यों कहा मैं काल को भगाऊंगा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, ये क्यों कहा। अगर इस बात पर लोग थोड़ा विचार करते, लेकिन ये विचार किसी में ही नहीं, वो ये भी नहीं समझते कलयुग है क्या, वो जाएगा कैसे, और सतयुग क्या है, कैसे आएगा। है तो हमारे आपके अंदर ही, कहीं से ले आना नहीं है, सब अंदर आपके। 24 घंटे आप देखो कि तुम्हारा मन कलयुग में कितनी बार जाता और सतयुग में कितनी बार आता। अच्छे खान पान, अच्छे विचार, अच्छी नीति, अच्छे कर्म, ये सतयुग की पहचान। और बुरे कर्म और बुरे विचार और गंदा खान पान, गंदी नीति रीति, ये कलयुग की पहचान। तो इस समय तो कलयुग का बोलबाला। और इतना नहीं, महापुरुष ने कहा कलयुग घेरे चारी ओर, मनवा जई हो कोनी ओर। कहा कलयुग ने घेरा डाल दिया और चारों तरफ घेरा बंदी बना दी और उसने जगह जगह पहरेदार बैठा लिया। और ऐसे पहरेदार हैं जिससे आप लड़ी नहीं सकते। एक काम है, एक क्रोध है, एक लोभ है, एक मोह, एक अहंकार, पांच पहरेदार। और ये पांचों का तुम कुछ नहीं कर सकते तो फिर जीव कैसे निकलेगा। जाल भी बनाया और जाल में भोगों का दाना डाल दिया, उसी भोगों के दाने के लालच में तुम जाल में फंस गए हो। और उसने पहरा भी लगा दिया जबरदस्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, और तुम किसी को परास्त नहीं करते। काम तो तुमको मिनट में चकनाचूर कर दे, इतना खराब कर देगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी खत्म कर देगी, इतना जबरदस्त है काम। और ये सारा खेल है काम का, पूरी सृष्टि काम की। अगर काम न होता तो सृष्टि नहीं बनती। तो उसने अपनी सृष्टि को बनाने के लिए काम का प्रयोग चलो ठीक किया, लेकिन अब वो फंसाने का काम उसी से ले रहा, उसी में सब जीवों को फंसा रहा। और आप फंस गए तो निकल भी नहीं सकते। जब तक आपको शरीर का अनुभव नहीं, तब तक आप निकल नहीं सकते। तो शरीर का भी अनुभव आपको कराया जा रहा है। कहा यह शरीर क्या है, कहा यह क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य क्षणमात्र में विलीन हो जाता, रोते प्रायश्चित करके आप रह जाते, कुछ नहीं करते। अगर तुम्हारा होता तो शरीर पर अधिकार होता, कैसे कोई लेके जा रहा बिना बताए, और किसी ने कोई वारंट है, कोई खबर संदेशा दिया नहीं, आया कहते चलो खड़े करो, अब तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। सर्वप्रथम उसने आपकी जबान बंद कर, जबान बंद हो गई आप कह नहीं सकते, कान बंद किए आप सुन नहीं सकते, आंखें बंद कर दी आप और किसी को देख ही नहीं सकते। अब काल सामने खड़ा है, तुम्हारे सीने पर लात रखता, कहता चल निकल कर, तूने वादा किया था कि मैं प्रभु का भजन करूंगी दिन रात, तूने तो कुछ किया ही नहीं, चल इधर से। मारते पीटते घसीटते, ये घटना केवल उसी को दिखाई देगी जिस पर बीत रही, ऐसा उसका खेल है
कि ये घटना दूसरे दिखाई देगी तो वो मदद करेगा, वो किसी को देखने ही नहीं देगा। और मार रहा है और पीट रहा है वो बेचारा, आंसू गिरा रहा, लेकिन जवान उसने पहले बंद कर दी, तुम कुछ कह नहीं सकते, तुम कहने के लायक ही नहीं, तुमने कोई कहना कोई वचन माना नहीं, अब तुम किससे कहोगे, कौन तुम्हारी मदद करेगा। ये स्थिति रोज आप देखते हो, जिसका समय पूरा हो जाता है वो बेचारा कुछ नहीं बताता, और बस आज से आप सुबह आते हैं तो समझ लो कोई मार पड़ रही है इस पर कर्मों की। जो कर्म किए और जो आत्मिक कर्म करना चाहिए, जिसका वादा किया गर्भवास में और भूल गया कि दिन रात में भजन, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करम दिन रात, ये वादा। इस वादे को तो बिल्कुल भूल ही गई कि दिन रात प्रभु का भजन करूंगी, और यहाँ शुरुआत भी नहीं की, यहाँ तो शुरुआत भी नहीं की है, तो फिर तुमने जब उसका कहना नहीं माना है और तो तुम्हारी यहाँ कौन सुनेगा। कहा तुमने नहीं कहना माना, मैंने तुम्हारे सुधार के लिए संत महात्माओं को भेजा, मुर्शिद काबिल फकीरों को भेजा, तुमने उनके उनका भी कहना नहीं माना, उनके आदेश का आपने तिरस्कार किया, लिया जा मैं यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और जमदूतों को आदेश देता ले जा उसको पकड़, भला नर्क में इतने दिन जलाना और इसको मतलब यानी मारना और पीटना, क्योंकि इसने सब वही काम मृत्यु रूप में किए, ये उसी की सजा होती, इसलिए आपको बुरे कर्मों से रोका जाता कि नहीं मार पड़ेगी, आपको फायदा क्या। तो अच्छे कर्म करो तो ऐसे अच्छे परमार्थी कर्म करा के तुम्हारे बुरे किए हुए कर्मों की भी अदायगी करा दी जाए, जो कामयाब किसी ने नहीं किया वो भी तो आपका साथ में जुड़ा था, क्योंकि यहाँ परमार्थी सेवा कोई जानता है। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन हम आप नहीं सुनेंगे, तब तक परमार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि वास्तविक अर्थ इसका क्या, कितना बड़ा इसका लाभ है और कितने युगों तक लाभ चलेगा। परमार्थी सेवा परमार्थ का अर्थ ही बहुत बड़ा। तो हमें आपको मलिक से यही प्रार्थना करनी कि सद्बुद्धि सदिया दो, हम सब अच्छे काम में लग जाए, बुरे काम से हमारा मन हटा दो। जब सेवा में लग जाओगे तो धीरे धीरे कर्मों का ख्याल ही खत्म हो जाए। आप ये छोड़ दो कितना खराब हो, गई सो गई और रही वो संभालो, जो समय वक्त घड़ी चला गया खराब हो गया कुछ भी का उसको भुला दो, आगे जो शेष जीवन बचा है उसको तो अर्पण कर दो और तुम्हारा काम हो जाए उसी से। देखो तमाम तरह की सेवा है, कुछ प्रेमी है जमीन ढूंढ रहे हैं, ये कितनी बड़ी सेवा, और ये विशुद्ध सेवा, इनका कोई लोभ लालच नहीं उससे, तब ये इनको सिखाया बताया गया कि इसे कभी अपना मत समझ, ये समझना कि चलो परमार्थ करने का हमको समय मिल गया, ये सेवा करने का समय मिल गया, इससे बड़ा लाभ है, और ये सेवा से तुम्हारे और सब काम बन जाए, जो काम तुम करके नहीं बना पाए वो तुम्हारा सेवा से हो जाए, उसकी चिंता मत करो, लेकिन शुद्ध भावना रखो, कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं, हमको आप देखिए हम कोई लोभ लालच, इतना स्वभाव देख रहे हो लेकिन हमको किसी तरह का कुछ, ये सब आपका है, आपकी सेवाओं से हो रहा, मैं इस पर झूठा अहंकार क्यों करूं, हमारा हमारा हमारा, जो हमारा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, ये समझो कि सब गुरु परिवार के जीवों के लाभ के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही, जो कोई नहीं बनाते, लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, अपनी जमीन नहीं बना पा रहे, और तुम जो संगत के लिए कर रहे हो, ये कितना बड़ा लाभ है। इसलिए मालिक से प्रार्थना यही करो कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, बुरे कर्मों की तरफ बुरी सोच की तरफ मन न जाए, और धीरे धीरे मन आपके चरणों में, आपके वचनों को मान ले, उन वचनों को करने के लिए चल पड़े, इसकी हमें ताकत सकती था,
ऐसी प्रार्थना आपका जरा सुन लीजिए कि संतों ने कैसे कैसे प्रार्थना की। वैसे हमको तो कोई किताब पोथी की जरूरत नहीं है, लेकिन बात असली यह है कि आप करोगे कैसे। अगर कोई प्रमाण दिया जाए तो आपको विश्वास हो जाता, ऐसे आप कहते पता नहीं अपने मन से करके बता रहे हैं। तो जरा संतों की वाणी सुन लो तो आपको पता चले नहीं सबने यही कहा, उनका एक ही लक्ष्य एक निशाना दूसरा होता नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरे बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, कहते मेरी पुकार मेरी अंदर की भावना आप सुनो। मैं अंदर की शुद्ध भावना से आत्मा से ये भीख मांग रहा हूँ और बार बार पुकार गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी एक बार सुन लो। एक बार का मतलब इस जीवन में ये एक ही बार मानो तन मिला, ये बार खत्म न होने पावे, खराब न होने पावे। आप मेरी पुकार सुन लो और मेरे इस शरीर का, शरीर में रहने वाली जीवात्मा दोनों का काम बना। आगे क्या करें कि दूर माती मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, मुझको चरण कमल में लगा लो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मत माने बुरे विचार जिससे दुर्गति होती है शरीर और आत्मा दोनों, उस दुर्मत से मैं दूर, क्योंकि मुझे तो निकलना नहीं मालूम है, मुझे तो फंसना मालूम है, तो फंसते रहे और आज भी फंसे पड़े। इसलिए आप हमारी दुर्मत बुरे बुरे विचार बुरी मत यानी मन बुरे कामों की तरफ न जाए, बुरी सोच को भी ना सोचे, क्योंकि तीन तरह से बुरे कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन वाणी से और बात इंद्रियों का। तो बात पहले मन शुद्ध कर, किसी की कोई निंदा आलोचना बुराई ईर्षा राग द्वेष ये गंदगी है मन को यानी खराब करने वाली, काम को इससे दूर कर दो और अपने चरणों में लगा, और कहीं नहीं संसार के किसी साधन में नहीं, अपने चरण कमल की छा में बैठा लगा लो, हमारी दुर्मत ठीक हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक वचन पर विचार करो कि मोही भोजल से पार उतारो, भोजल से पार उतारो, मोही भव जल से पार
जल से पार उतारो मेरी परी नैया मझधारो मेरी परी नैया मझधारो सतगुरु मेरी सुनो पुकार सतगुरु बारंबार तेरत तुम्हें बारंबार प्रभु कितनी बड़ी बात है कहते हमें इस भवसागर से जब सत्संग सुना तब समझ में आया कि भवजाल क्या है भवसागर कहाँ है क्या है ये धीरे धीरे सत्संग वचनों से आपको सब जानकारी करा दी जाएगी कि आप कहाँ कैसे फंसे हो अब आप वहां से कैसे निकलो तो कह रहे हैं मुझे भोजन से पालो क्योंकि मेरी ये नैया मद्धार वो मेरे बस की तो नहीं कि निकालू आप दया कृपा मेहरबानी करके मेरी इस भोजागर में पड़ी नैया को किनारे आगे क्या कह रहे हैं कि तुम बिन अब मोय कोई न सहारो तुम बिन अब मोय और न सहारो तुम बिन अब मेरा कोई न सहारो तुम बिन अब मेरा कोई न सहारो अपना कर अब मुझे संभारो अपना करे अब मुझे संभारो सतगुरु मेरी सुनो पुकार सतगुरु मेरी सुनो पुकार मैं तुम्हें टेरत बारंबार तरफ देख लिया मेरा कोई सहारा नहीं है सब हमको बना सहारा बनाए बेटा हो बेटी हो परिवार हो आसपास बोलने वाले समाज वाले तो हमको बना सहारा बना के काम ले रहे हैं लेकिन हमारा कोई सहारा नहीं मैं चारों तरफ देख के आ अब जो है मेरा ये काम कर कि अपना करके मुझे अब संभालो अपना बना लो और संभाल न मैं बनना जानता हूं न संभाल करना जानता का यह सब आप इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण कंप्लीट सरेंडरशिप को कहते जब आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो फिर तुम्हारी चिंता खत्म फिर उसकी चिंता है जिसने आत्मसमर्पण आपका स्वीकार फिर वो उसका काम आपका काम लेकिन समर्पण करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने तो समर्पण किसी और को कर रखा मन का समर्पण भोगों में काम में क्रोध में लोभ में मोह में अहंकार में आप तो यहां समर्पण कर चुके तो सदगुरु को कैसे समर्पण करो लेकिन कहा नहीं धीरे जब समझ जाओगे तो समर्थन की रीति नीति आप बदल अभी तो जी बेचारा समझ ही नहीं रहा किसको समर्पण जब अर्जुन जैसा ज्ञानी नहीं समझ पाया कृष्ण के पास यही समझाते थे अरे भाई तू करने वाला नहीं है आदेश पालन करने वाला ये जो कुछ हो रहा सब मेरी दया या ये समझो मैं ही कर रहा हूं तो ये सुनकर उसको बड़ी शंका हो रही कि कर हम रहे कहते हमने किया महाभारत हमारे द्वारा बड़ों तुमने इनको मारा उनको मारा ये कहते तुमने किसी को नहीं मारा तुमने नहीं मारा हमारी दया अगर दया ना होती तो मारते नहीं मर जाते लेकिन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा इतना समझाते समझाते
कृष्ण को आवेश क्रोध नहीं था, आक्रोश था। ये अच्छी सच्ची बात मान क्यों नहीं रहा? जब तुम्हारी कोई अच्छी सच्ची बात नहीं माने तो ऑटोमेटिक आवाज मोटी हो जाए, वो भी समझे समझ क्यों नहीं रहा और उसकी समझा नहीं। तो बताते बताते अंत में उनको स्पष्ट कहना पड़ा, स्पष्ट भाई तो अरे तो बात सुनो, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां शरणं प्रापेभ्यो मोक्षं सामासुचि। कहा तो सब तरह से अपना ध्यान हटा और ये जो भी करना है सब मुझको सौंप दे, तुम्हारे पर इसका कोई दोष नहीं। देखो ये भी काल की चाल है, पहले तो उसको संदेश दे करके यानी मारकाट कराया और बाद में कहने तुमने मनुष्य हत्या की, तुमको मनुष्य हत्या का पाप लग गया है, जाओ नरक में चले। कैसे काल शक्तियां बड़ी चालाक कराती भी अपना नाम करती और जीवों को फंसा देती और बेचारे पांचों पांचों नरक चले। एक तो उन्होंने पहचान नहीं की इससे चले गए नरक, ना कभी भगवान माना ना कोई शक्ति मानी। कहा ये तो मेरा रथवान है नौकर, मेरा रथ हाँक रहा, ये मेरा मित्र है और ये नाते से सुभद्रा के नाते से कहा ये मेरा साला है, इसी बाहरी रिश्ते नातों में फंस के रहेगा, समझ में नहीं आया तो पांचों पांडव नरक 24 घंटे साथ रहे, नर्क को जाने से रोक नहीं पाया क्योंकि उनकी शिक्षा मारकाट की, वो तैयार नहीं था। नहीं नहीं तुम्हारा ये यानी कर्तव्य है, इनको मारो इनको मारो इनको मारो इनको मारो। वो कह रहा था परिवार को मारूं राज संभालूं, ऐसा राज हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान को खत्म विराट रूप दिखाकर जो उसका ज्ञान सच्चा उठा था उसको खत्म, विराट माने भैरू दिखा करके उसका मतलब यानी जो समझ सूझ थी वो खत्म कर और कैसे करा दिया। पहले कहा इनको मारो इनको मारो इनको मारो, फिर कह रहे तुमने मनुष्य हत्या तुम्हारे पर लग गई, तुमने मनुष्य हत्या की है, ले आ जा तुम्हें नरक में जाओ, और वो खुद ही नरक में गए। उनको भी बैलिये ने तीर मारा मर गए, उनकी भी तो हत्या की गई। हत्या तो हमेशा प्रतियोगी में नरकों में जाने का, और राम भी नरक में चले गए। उन्होंने देखा कि अब उनको चिंता हो गई, हमने तो बेगुनाह लोगों को मार दिया, हमारा झगड़ा तो रावण से था और रावण का इतना बड़ा गुनाह नहीं था कि उसको मृत्युदंड दिया जाता, तो मतलब यानी ये सब प्राची जब उन्होंने किया तो उनको यही निर्णय मिला कि हमने जो किया हम उस शरीर को उसी तरह वो भी यमुना में डूब के मर गए, वो डूब के मर गए। यहाँ लोगों ने मुनि सम्मान ये नहीं लेगा, उन्होंने जल समाधि ले ली, कहा जल समाधि ले ली वो बेचारे मर गए। ये काल भी अपने आप को नहीं बचा पाया महाकाल से, काल से बड़ा महाकाल है और उसी ने इनको भेजा और उससे भी ये बच नहीं पाए, भी उसी में चले गए। इन शक्तियों का जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत फंसा के रखा गया, भगवान भगवान कह के इन्हीं में लोगों को फंसा दिया बांध दिया और ये भगवान भी मन कुछ नहीं, ये भी मारा गया। भगवान का मतलब भागवान, भाग का वान माने निर्माण करने, जो भाग का निर्माण कर दे। इन्होंने तो लोगों के भाग को खत्म कर दिया, मार दिया, तो इनको भगवान कैसे कहा जाए? ईश्वर तो सभी लोग जिनमें स्वर हो, जो बोलता उसको ईश्वर कहते, परमात्मा जिसकी आत्मा यानी मतलब परम पवित्र पाकशाह होकर निकल कर अपने घर पहुंच गई मालिक के पास, वो तो परमात्मा, इसलिए इनका शब्द सबसे और ये प्रभु इन सब से, प्रभु पर कोई चीज लागू नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान है और वही सबका कर्ता धर्ता,
सारे लोगों का मालिक है। आज आवश्यकता पड़ गई कि मालिक को खुद आना पड़ा, खुद व्यवस्था बनानी पड़ी। अब जब मालिक कभी आया नहीं, उसका इतिहास नहीं, जानकारी नहीं, तो लोग पहचान नहीं पाए। अभी पहचान नहीं है, अभी पहचान लोगों को नहीं है कि प्रभु किसे कहते। प्रभु पर माने दूसरे को उपकार, पर उपकार के लिए भू माने जमीन धरती पर आया है मालिक, उसको पहचानो। वो तुम्हारा काम करेगा और वो किसी से करवा दे उसकी मौज है। पहले भी कहा किसी मनुष्य पोल पर बैठ कर मैं तो तुम्हारा काम कराऊंगा और वो पोल मेरा ही पोल है। कहते वो घर खास खुदा का है, वो मेरा ही घट है। वैसे सब घट भीतर साइया सुनी से जन कोय और वह घट धन सराहो जागत प्रगट। सब घट में मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरा आत्मिक संदेश प्रसारित होता। वो घट मेरा ही घट। देखो आगे क्या कह कि मैं कपटी कुटिल खल कामी, मैं कपटी कुटिल खल कामी, तुम्हें दाता अंतरयामी, तुम्हें दाता अंतरयामी, तुम्हें दाता हो अंतरयामी, तुम्हें दाता गुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते अपने एक एक गुण बखान करें, भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। जब खोल दोगे सब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा दोष खत्म हो जाए, लेकिन तुम छिपाते रहते हो गुरु को। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। जैसे बीमारी को छिपाओ डॉक्टर वैसे तो कभी ठीक नहीं होते। बीमारी जैसे डॉक्टर वैसे छिपाई नहीं जाती, ऐसे कर्मों की गंदगी गुरु से छिपाई नहीं जाती, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। तब आप छिपाओगे क्या? और सब कुछ जान रहा तो तुम बताओगे क्या? लेकिन तुम बताते भी हो और सुनते भी हो। तो कह रहे मैं इतना कपटी हूं, कपट करने वाला, कि आपसे कपट किया और अपना काम बनाने के लिए झूठ बोला। लेकिन वो भी झूठ साथ नहीं गया, कपट किया उसका तो भोग बन गया, और वो साथ नहीं गया जिसके लिए कपट किया। शरीर के लिए आप सब कुछ करते, शरीर को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय आप नष्ट करते हो और ये तुम्हारा है नहीं। एक दिन इससे भी आपको नाता रिश्ता हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह शरीर आपका नहीं है, ये आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया गया। किसी की दी हुई वस्तु पर आपको कोई अधिकार नहीं, जब चाहेगा तब ले लेगा। और हो भी रहा फिर भी नहीं समझ रहे हो, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बाप भाई छीन लिया, आप रोते रह जाते हो। अगर ये तुम्हारे होते तुमसे पूछ के जाते, या चले गए थे कोई चिट्ठी भेजते आप। आज तो किसी की चिट्ठी आई नहीं, इतने गए जिनको अपना आपने माना और मान करके कितनी बड़ी भूल आपने की और उनको अपना बनाया, लेकिन उसने कोई खबर तक आपको नहीं दी कि मैं किस कर्म की सजा कहाँ किस लोक में पा रहा हूं। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन किस तरह से कि मैं दीन दुखी अति से भारो, मैं दीन दुखी अति से भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब
तब मुझे निकालो, जब चाहो तब मुझे निकालो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। देखो संत मत में दीनता और गरीबी ये सच्चे साधक का गहना है। बार बार महापुरुष कहते हैं दीन गरीबी धार तेरे भले की को, अगर तू दीन बन जाए तो मैं दीनानाथ बन के तेरी मदद करूं, अगर तू गरीब बन जाए तो मैं गरीब निवाज बनाकर यानी बनकर तुम्हारी मदद। लेकिन यहाँ दीन गरीब कोई बनना नहीं चाहता, अहंकार इतना प्रबल है जो तुम्हारा नहीं उसी का अहंकार करते, कभी शरीर का कभी धन का आपका ही नहीं, न धन आपके साथ न शरीर आपके साथ न परिवार आपके साथ, कुछ नहीं जाएगा ले जाए तुम्हारा ही नहीं, और तुम इसी पर गुरु करते इसी में फंसे पड़े। क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को देखिए कि मैं आरत करूं सदा तुम्हारी, आरत करूं करूं सदा तुम्हारी, मैं आरत करूं सदा तुम्हारी। तन मन धन सब तुम परवारूं, तन मन धन सब तुम परवारूं। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु क्या कह रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना आरु विनत रोज करता हूं, आरत भाव से यानी दीन भाव से, अहंकार कोई स्वार्थ लोभ लालच के भाव से नहीं, दीन भाव से मैं तुम्हारी आरती करता हूं। और ये तन मन धन जो एक फंसने का आधार बना दिया काल, मैं यही आपको अर्पण करता हूं, जब मैं अर्पण कर दूंगा फिर फंसूंगा किस। लेकिन वो जवान से कहते हैं अंदर से कहते हैं सब तेरा क्या लागे मेरा, और देने के लिए रुपया भी नहीं, एक रुपया भी नहीं। दुनिया में जाते हो कितना खर्च कर, यहाँ बड़े बड़े दुखी मरीज आए डॉक्टरों को लाखों रुपए दे के आए, यहाँ 10 रुपए देते, जहाँ से काम संभाल होना वहाँ 10 रुपये। अरे यहाँ जितना ज्यादा दोगे उतने परमार्थ तुम्हारा लग जाए, यहाँ कौन लिया जाता, ये लिया नहीं जाता आपका परमार्थ में लगाया जाता, क्योंकि तुम परमार्थ में लगाना जानते नहीं और उस लाभ से आप वंचित रह जाते। तो आगे समझा के क्या कह रहे थे, अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो, अब मिला सहारा मोहि तुम्हारो। मैं नीचे अज्ञान अनाड़ी जानो, मैं नीचे अज्ञान अनाड़ी जानो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। काम में समझ में आ गया कि हमको अपना सहारा, अभी तक तो यही नहीं था, जिनको सहारा बनाया वहां तो धोखा मिल गया, सब छोड़ के चले गए, कोई सहारा नहीं बना, कोई मददगार नहीं बना। लेकिन अब ये देखिए हमको अब सहारा मिल गया, हमने सत्संग वचन सुने आपके और आदेश को थोड़ा बहुत माना परमार्थी सेवा में लगकर, अब ये समझ में आया कि हमारा सहारा तो तुम्हें, बाकी सब झूठे सारे, वो तो लेने वाले जब तक देते रहोगे तब तक तुम्हारे, देना बंद किया रिश्ते खत्म, तुमको कोई नहीं देखे, तुम किसी को कुछ क्यों ना दे दो लेकिन तुमको कोई देने वाला या नहीं।
आगे क्या कह रहे हैं कि घट मेरा, देखो कैसे कह रहे कि घट का भेद नात समझाया, घट का भेद नात समझाया, घट का भेद नाद समझाया, घट का भेद नाद समझाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने दया करके वो उच्च कोट का जो घट में नाद आवाज बाजे बजे जो यहाँ कहीं नहीं, ये अंदर के बाजों की नकल है। जब नकल आपको इतनी अच्छी लगती तो असल कितना अच्छा, असली नाद असली आवाज असली आरती आरती घंटा संघ अंदर बजा, ये तो बनावट वाला वो समझाने के लिए यहाँ रखा गया, लेकिन उससे भी जीव नहीं समझ पाया उसी में फंस गया। हाँ भाई तेरे अंदर इस मनुष्य मंदिर में घंटा संघ की आवाज 24 घंटे, और वो इन कानों से सुनाई नहीं थी, वो जीवात्मा के दिव्य कान से सुनी जाती। जब तक कान नहीं खुलेगा वो आवाज नहीं, तो बेचारे उसी आवाज को पाने के लिए ये अभ्यास करने लगे, और वो मिला नहीं क्योंकि वो मिलाने वाले संत महात्मा नहीं मिले, रास्ता नहीं मिला, तो इसी में फंस गया। अब रात दिन बजाते हैं, रख देते बजाते, जबकि कहते वो बजाना नहीं पड़ता, अनभरत हो, वो कंटिन्यूस बजता ही रहता, कभी नहीं बंद होता, 24 घंटे आवाज तुम्हारे मनुष्य मंदिर में, लेकिन तुमसे सुनाई नहीं देती, क्योंकि तूने जो आवाज जिस कान से सुनी जा सकती वो कान तेरा बंद है। उस कान को खोलने के लिए, उस दिव्य आंख को खोलने के लिए, वो दिव्य नाक जो सुगंधी के वातावरण में जाकर वो सुगंधी पाए जो यहाँ कहीं नहीं है, ये तीनों रास्ते संत महापुरुषों के पास हैं, हैं तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं है, और ये भी नहीं जानकारी कि ये खुलेंगे कैसे, इनको कौन खोलेगा। तो आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक बात को देखिए कि दुख सुख में मैं बहुत भर माया, दुख सुख में बहुत भर माया, दुख सुख में मैं बहुत भर माया, दुख सुख में मैं बहुत भर माया, जस और मान बड़ाई चाहा, जग मान बड़ाई जग में मान बड़ाई चाहा, जग में मान बड़ाई चाहा। एक एक कमी अब बताएंगे, मैं दुख सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित हूं, न दुख हाथ लगा न सुख, ये तो चक्र की तरह घूम रहा आते जाते आते जाते, न दुख रहेगा हमेशा न सुख। तो कहा तुम दुख सुख से अलग हो जाओ, इस चक्कर में क्यों फंसे, दुख भी नहीं रहेगा सदा और सुख भी नहीं रहेगा, इसलिए दुख सुख नदियां पार उतरना, इस नदी से तुम पार हो जाओ हमेशा के लिए, ना तुम्हें दुख व्यापेगा ना सुख व्यापेगा, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा, और यही दुख सुख का ही बंधन है, चाहते हो सुख और पहले मिल जाता दुख, दुख तो पहले मिल जाता, सुख पाने के लिए दुख तो आपको पहले उठाना पड़ता, तब सुख मिलता, सुख अपना परिचय दे रहा
कि दुख उठाए बगैर हम नहीं मिलेंगे और तुम दुख सुख दोनों से रहो। आगे क्या कह रहे हैं समझा दो कि उलटू मैं इसको क्यों करूं, उलटू मैं इसको क्यों करूं, उलटू मैं इसको क्यों करूं, उलटू मैं इसको क्यों कर करूं, बिन दया तुम्हारी सतगुरु, बिन दया तुम्हारी सतगुरु, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते हैं इस स्थिति को कैसे उलटूं, कैसे इसको उलटूं, क्योंकि मैंने तो इसको अच्छा सच्चा समझ कर, लेकिन जब तक तो उलटेगा नहीं तो वाल्मीकि ने उल्टा था और लिख के बताया भी कि उल्टा नाम जपत जब जाना और वाल्मीकि वही ब्रह्म। लोगों ने जगने जाना उल्टा, लेकिन नाम स्थिति मन की उलट दी थी, जो मार काट छीना जपती की स्थिति थी वो खत्म कर दी, ये दया की स्थिति में आ गई। यानी उन्होंने अपने क्रूर मन की जो स्थिति थी, आदत थी, उसको बदल दी, उलट दिया। और कहते हैं ये बिना सद्गुरु की दया से तो हो ही नहीं सकता, बिना उनकी दया से आप कुछ नहीं, और उनकी दया जो हो रही तो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि दया तुम्हारे पर कभी किसी ने की नहीं, तो दया की पहचान भी आपको नहीं। अब दयालु दया करने आए तो आप दया ले नहीं पा रहे, दया को की संभाल नहीं कर पा रहे। देखो समझा के आगे क्या कह रहे हैं कि अब खेचो मेरे मन को स्वामी, 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 सब विधि तुमको मैं सुनाऊं, सब विधि तुमको, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, को खेचो क्योंकि डोरी तुम्हारे हाथ में है, आप खींचे हो, खींचना मालूम है आपको, और खींच करके कहां ले जाना पहुंचाना वो भी आपको मालूम, इसलिए अब मुझको खींचो, सतगुरु स्वामी मेरे मन को खींचो, उधर बुराइयों से हटाकर अपनी जो ये सत्य की अच्छाई इसको पकड़ा दो। और कहते हैं कि मैं बिना सुनाऊ, अब मेरी यही विनय आपसे है कि मेरे मन को ठीक, सारा करता धरता मन ही तो है, यही करवाता है, ये सलाह देता है, अच्छे काम की सलाह देता है, बुरे काम की, और उसी अच्छे बुरे सलाह से जो आपने कर्म किया उसी में फंसा देता है, ये मन भी तुम्हारा नहीं, ये भी धोखेबाज, इसकी भी बात मत मानिए, ये भी आपको नर की तरफ ले जाता है। जब तक सतगुरु की दया में ये नहीं जाएगा और वचनों से सुनकर अपने आप को पाक साफ निर्मल नहीं करेगा, तब तक ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये तुम्हारा शत्रु ही बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन, संतों का सबसे बड़ा बैरी दुश्मन तुम्हारा मन है, लेकिन तुम ये कभी नहीं कहते कि मन ही हमारा खराब, मन ही हमारा दुश्मन, यही तो दुश्मन की बात बताता है, ये दुश्मन पड़ोसी पड़ोसी खराब, ये खराब ये खराब, आप कभी ये नहीं कहते कि हमारा मन ही खराब, ये खराबी क्यों सोचता, ये खराब की तरफ क्यों ले जाता, इसके अंदर खराब
काम करने की भावना प्रेरणा हमेशा क्यों रहती और हमेशा इसे यानी पाप कर्म में लगाता रहता। तो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। अगर ये छुटकारा चाहते हो तो गुरु का ध्यान, तुमने सब का ध्यान किया, अथर का, पत्थर का, काज का, कैलेंडर का, तेरत का, मुहूर्त का, पानी का साथ, लेकिन इससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो जड़ ध्यान था। जड़ कभी काम नहीं कर सकता, चेतन कर, और गुरु चेतन है, चेतन देश से आया, चेतन नाम जगाया और नाम से चेतन जीवात्मा का उद्धार करने का वादा कर। ये सब चीजें आपके सामने हो, इसलिए बच्चनों को अपने अंदर जगह, पहले जगह बनाओ, बुराइयों को ये सब निकाल मार को, जगह बन जाएगी तो ये नहीं अच्छाई को बैठा लो, फिर देखो दिन दिन प्रतिदिन तरक्की, मतलब दिन प्रतिदिन तरक्की होगी, आपका विकास होगा, आपकी उन्नति उत्थान प्रगति होगी। ये सब काम जब तक गंदगी नहीं निकालोगे और तब तक शुद्धता नहीं, क्यों, निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं मांग। जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है, परमात्मा प्रभु कहते मैं उनको मिलता हूं, मैं कोई जात पात के बंधन में नहीं बंधा, ना कोई रूप स्वरूप के, ना कोई धन दौलत सामान के बंधन। कहा जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है मैं उसको मिलता हूं और वो मुझको मिलता है। ये मिलन तभी संभव। इसलिए प्रेमियों एक एक वचन को संभाल के, तभी अब आपका बहुत थोड़ा समय लिया और वो भी एक खास सत्संग, बाहर जाता हूं वहां खास सत्संग नहीं, वो तो मिला जुला संसार के लोगों के, लेकिन जो आश्रम पर चाहे आ चाहे नहीं मिलता वो खास सत्संग, इसमें जीवात्मा का भला हो, मन का शुद्धिकरण हो, वो संदेश आपको ध्यान दिया। इसलिए जो प्रातः संदेश जो आपको दयालबाग में, और लोगों ने दयालबाग सुना लेकिन दयालबाग का सत्संग बड़ा जरूरी था, यहां से भी चर्चा वायुमंडल में फैलेगी सब जगह, और जो ये काम कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी सेवा, इनके पहुंचाने से करोड़ों लोगों का सुधार हुआ। अभी आपने देखा साइकिल यात्रा में 2 करोड़ जीवों का जागरण हुआ, तो प्रसाद दिया गया, वो प्रसाद धीरे धीरे असर करेगा, इनकी चित्तवृत्तियों को बदल देगा, मन की स्थिति को ठीक करेगा, लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि तो बहुत युगों का लादे बैठे, तो एक दिन में थोड़ी चला जाएगा, काम तो हो रहा आपका, लेकिन जब ढेर भारी है तो उठाने में समय लगेगा। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग खड़े हो जाओ। अब खड़े हो जाने का मतलब ये जो सुनाया गया इसको करने के लिए, शरीर से नहीं मन बुद्धि चित्त से खड़े हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। समय बहुत कम है, पता नहीं कब वारंट आ जाए, आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको हर सत्संग में कहता हूँ, जितने लोग आज सत्संग में आए हैं इनमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले जाए, उनको फिर यह सत्संग नहीं मिल सके। इसलिए जो सत्संग समय मिला है उसको बहुत ही चेतना के साथ जाग कर
सकता है एक ही वचन को शिष्य तुम्हारा काम हो जाए, उसी वचन को मन में मान ले मन ठीक हो जाए। इसको बहुत वचन आपको बताया जाता है, और जिसकी जैसी पकड़ है वचनों की वो ऐसा ही उतना लाभ प्राप्त कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो जय सब मिल बोलो जय, बोलना होगा जय अभी से बोलो जय, दुख दर्द हरेंगे जय, सब कष्ट मिटेंगे जय, सुख शांति भी देंगे जय, सबके दाता जय, सबके मालिक जय, प्रेम से बोलो जय, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो ये कितना बड़ा काम हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, तुम्हें ही नहीं सुनाया जा रही, इन पेड़ों को सुनाया जा, इनमें भी जीवन, इनका गम हो जाएगा तुम्हारा रह जाएगा, क्योंकि तुम सुनते भूल जाते, ये पक्के हैं। इनको ये वचन मिलने चाहिए, इन सब में जीवन पर बैठे, अब उनकी योनि बदल जाए, उनका काम हो जाए, ये कितना बड़ा काम है। और जहां तक वायुमंडल में इस नाम की आवाज जा रही है, वो सब अपनी ही गति सुधारने के अधिकारी हैं, उनको भी नाम मिल जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ एक का नहीं, इस वायुमंडल में कितने जीव हैं, माइक्रोस्कोप से देखिए एकदम जाल सब, एकदम जाल है कीड़े मकोड़ों का, उनमें भी जीवा वो सुन रहे, ऐसा नहीं कोई तुम्हें को सुनाया जा, इस वायुमंडल में जितने उनको और आस पास रहने वाले जहाँ तक आवाज जाती है वो भी, और ये पेड़ और पौधे, इन सब में जीवात्मा है, इनका भी काम होगा। तो आज इनका काम होना है, इसलिए इनको भी समय की जानकारी मिल जाए, क्योंकि आप लोगों ने इनका फल खाया तो कर्जा तो हो ही गया इतना, उस कर्जे को निपटाने के लिए यहाँ पर आपको ले आया गया, तो इनका फल खाए हो तो निराई करो गुड़ाई करो, तो कर्जा तो अदा हो जाएगा, फल खा लिया कर्जा लाते तो समझ नहीं पाए, कभी तुमसे गुड़ाई निराई किसी तरह भाई इनकी सेवा कर लो तो तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। सबने फल खाए तो कम से कम उतरा तो करो, तुम्हारा कर्जा तो उतर जाए, तब आपको यहाँ ले आया गया। यहाँ हर काम तुम्हारे कर्म कर्जे से संबंधित, कोई सेवा का आदेश अचानक हो जाए या मतलब जानकारी में हो जाए, लेकिन सबका एक ही फल है कि तुम्हारे कर्मों की अदा, इनको पानी देना, इनकी सुरक्षा करना, ये सब मतलब इनको खुराक देना, खाद है मतलब यानी गोबर की आई वो सूचों को, ये सब आप अपना कर्जा ही तो उतार दें, तो जिसने ज़्यादा फल खाया उसको ज़्यादा फल उतारना पड़ेगा। तुम यहाँ रहते हो तुम तो बहुत फल खाते हो रहते, तुम्हारे पर तो बहुत बड़ा कर्जा, इसलिए तुमको सेवा का सबसे ज़्यादा अधिकार मिला, जो जितनी सेवा कर रहे उतनी जल्दी अपने कर्म करते उतार। ये मत सोचो ये पेड़ है, ये तुम्हारी तुम्हारे जैसी जीवात्मा इनमें भी बैठे, ये भी अपना कल्याण उद्धार चाहते, कब से बेचारे खड़े हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार ये सब बर्दाश्त करो, इतना तुम कहा तपस्या इतनी करते, तो इनका भी तो काम होना चाहिए, और तपस्या करके फल आपको देते, तो इनकी तपस्या का कितना बड़ा भार तुम्हारे, और फल खाने का कितना बड़ा कर्जा। इसलिए जब भी इस दयाल बाग में आओ तो दया ले लो, ये दया का स्थान, दया पाने का स्थान है, और आपको इसी ले ले आया गया, यहाँ की दया प्राप्त कर लो, और जो तुम्हारी पेड़ों ने सेवा की फल दिया उसका कर्म कर जाओ था।
गुड़ाई है, सिंचाई है, खाद देना है, ये करना, बराबर इसकी देख रेख। जब भी आओ कार्यक्रम में अपने बगीचों को जरूर देखो, ये तुम्हारी सब तरफ से, और इसका कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारी। वृक्ष कबो नहीं फल भकें, नदी न संचय नील, परमार्थ के कारण साधुन धरा सरी। तो कितना बड़ा काम, ये कभी नहीं खाते थे, तपस्या करते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं, बोला पाला आंधी तूफान, लेकिन फल तुमको देते, अपना नहीं खाते आप। तो इनका परोपकार देखिए आप, ये वृक्ष कितना बड़ा परोपकारी, तो सारी तपस्या करके सारी आपत्ति को बर्दाश्त करके फल आपको देता, अपना नहीं खाता। यही हमें आपको सीखना था कि हमसे जो भी कर्म हो वो जीवों के लिए, अपने लिए नहीं, सब के लिए, सबको लाभ मिले और सबको मतलब यानी एहसास करा दो, इस पे भी तो तुम्हारा लाभ है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, आज का सत्संग का विराम यही चलिए, आज 26 तारीख, 26 जुलाई 2023 ये सत्संग है, दिन बुधवार, ये बुद्धि शुद्ध करने का दिन है, आपको इसीलिए ले आया गया ये सब। और भजन दोनों सुबह शाम हाजिरी, जब मर्ज बढ़ जाती है तो समय दवा का बढ़ा दिया जाए, कहते दिन में बार कई डोज दो ताकि जल्दी आराम मिल जाए। इसलिए अब आप पर कर्मों का जखीरा बहुत, तो आप दोनों वक्त हाजिरी दो, दोनों वक्त नाम की झाड़ू लगाओ तो अंदर की गंदगी साफ। ये जागृत रंग में, ये कोई पहले का नहीं है, वर्तमान का, और वर्तमान में जीवों के काम के लिए जगाया गया, तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, देखो कितना हमेशा वचन कर सकते 24 घंटे, क्यों जवान से अब कोई काम नहीं करता भोजन के सिवा, और भोजन का रस यही लेती है, तो इससे भी कुछ काम ले लो, इसने बहुत रस खाया, इससे भी काम लो नाम। कहते जीवा समय के नाम को बोल, तेरा भी काम हो जाएगा, तुझे भी नियोनियों से फुर्सत मिल जाएगी, तेरा भी तो काम बन जाएगा, तो काम करते रहो, जय गुरुदेव। कहते रहो कुछ आपको करना नहीं, कितना सरल, ये कलयुग की पूजा बहुत सरल, इसमें केवल कहते कलयुग केवल नाम, कुछ नहीं करना, केवल नाम। अब वो नाम कौन है जो समय का हो, आजकल पिछले नामों की बात होती तो गोस्वामी महाराज लिख सकते कलयुग केवल हरि नाम धारा, सीताराम धारा, राधा कृष्ण, नहीं ये प्रयोग नहीं किया। संतों को मालूम है कौन सा नाम कब कैसे काम करेगा, इसलिए उन्हें केवल शब्द प्रयोग किया है, केवल माने अकेला, ये जितने नाम अकेले नहीं थे, सहायक शक्तियों के साथ थे, सीताराम और राधा कृष्ण, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती, देवी देवता, ये सहायक शक्तियों के साथ आए, लेकिन कलयुग का इशारा केवल माने अकेले नाम, गुरु ऐसा ही अकेला नाम, ये जय गुरुदेव नाम के, गुरु बीच में बैठा है, आगे जय पीछे देव लगा दिए, बस इसी शंका में लोग रह गए बेचारे। अरे जय तो शंकर ध्वनि है, आदर सूचक सम्मानित शब्द है, सबके आगे लगाते हो आप, देव वाला, देव माने देने वाला, जो सब कुछ दे बदले में आपसे कुछ न ले, वो कलयुग का देवता, कलयुग का देवता ऐसा है जो सब कुछ देता लेता कुछ नहीं, और नियों के देवता देते नहीं दे लेते दे, तुम्हें बतासे चढ़ाए तुम्हें पेड़े, तुम्हें अगरबत्ती लगाई तो फूल माला, तुम देते हो वो कहाँ दे, वो कहाँ दे, तो पहले के देवता नहीं थे, देवता थे, देवता तो अब आया, इसने नामदान से शुरुआत की, नाम का दान किया, नाम की जानकारी का परिचय आपको,
नाम का लाभ आपको ये सब दिया, इसलिए आपको तो कलयुग के जीते जागते भगवान का नाम लेना चाहिए। वो आपके भाग्य का वन माने निर्माण कर दिया, तुम्हारा भाग्य ही जगा देगा और तुमको तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा देगा। सच्चा भाग ये जीवात्मा का भाग जगे और अपने घर पहुंचे, उसको भगवान कहते। ऐसा तो कोई भगवान पहले आया नहीं, उसने जीवात्मा के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तेरे लेने की बात तो छोड़ दो, उसने कुछ बताया नहीं। जय गुरुदेव। अब आपके लिए देखो यहाँ क्या सेवा, सेवा करो कुछ नहीं तो गुलाई करो, थोड़ा ले लो उसमें चले जाओ, वो आपका बगीचा जो नीचे किन्नू का बाग है उसमें बड़ी बड़ी घास, तो उसको थोड़े से, और पीछे जो जो है बच्चे को ले जाओ पीछे से घास उठाते रहे, उनको भी सेवा में जो बूढ़े बुजुर्ग है थोड़ा नहीं चला सकते वो घास को एकत्र करके जगह रखे, बिल्कुल साफ कर दो, पता नहीं कब कैसे प्रयोग होने लगे, ये भी जरूरी नहीं है सब किया जा रहा, क्यों कराया जा रहा, आपको मालूम नहीं था कि आज यहाँ पर सब किसी को नहीं बात, तो लेकिन सफाई पहले से कराई जा रही थी, सफाई इसीलिए कराई जाती है भाई कुछ होना कुछ जमीन पर किया जाएगा तभी साफ सुथरी की जाए। तो हमेशा सत्संग में आओ, सेवा का भाव, सेवा कलयुग में प्रधान है, कहा कि भजन करके तो कोई एक आध जीव जा पाएगा लेकिन सेवा से यह सब चले जाएगा, इसलिए सेवा में कभी आना कानी मत किया, तन की सेवा जिसको जिस लायक है, जो लोग बेचारे नहीं आ पा रहे धंधा व्यापार नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती वो अपने धन की सेवा भेजते, जिससे आपका ये निर्माण कार्य हो रहा ये भी तो सेवा है, ऐसा नहीं सेवा का मौका सब इनके पास कुछ नहीं, वो शरीर समय की सेवा, शरीर तो आपके पास नहीं, और शरीर का शुद्धिकरण और किसी पूजा पाठ से हो नहीं सकता, कोई जल नहाने गंगा जमुना के असराव से शुद्ध रहे तो सत्संग जल जो कोई पावे मेरा ये सब लिखे संतों ने बता दिया, सारी भटक पहले की आपकी खत्म कर दी और एक सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि सहज में काम हो जाए, इसमें कुछ नहीं करना केवल निमिष मात्र खड़े हो जाओ और तुम्हारा सब काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी नाश्ता वास्ता कर लो, आ गया हो तो आने वाला हो कर लो नाश्ता, इसके बाद सेवा में लोगो इस अन्न को खाकर बेकार, ये पचेगा जब ही जब सेवा, पचने का मतलब अन्न से ही नहीं है, पचने का मतलब लाभ से, पचने से कि पच जाए और तुम बच जाओ, दोनों काम तुम्हारे हो जाए, इसलिए बड़ा मत कुछ नहीं तो घुटपी ले ली अपना ऐसे ही नहीं करते, कुछ ना कुछ करते हो, तो कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिलते, यानी इतना जबरदस्त सेवा का कि कुछ ना करो कारण कपड़े फाड़ के सिलते, बात की बात कपड़े फाड़ने के मतलब अगर तुम सेवा से आलसी हो तो ये तो कर ही सकते हो, लेकिन इसमें भी आप आदेश नहीं मानोगे, हमारा नया कपड़ा क्यों फाड़े, गलत आदेश दे रहे, एक कपड़ा फड़वा रहे, अरे कपड़ा नहीं फड़वा रहे, तुम्हारा जो कर्मों का ढेर है उसे फड़वा उसे लग, चलो आप चलो शाम को प्रसाद मिलेगा आपको, शाम को प्रसाद का समय निश्चित है, शाम को देखा जाएगा प्रसाद के ग्राहक कितनी, वहाँ तो सो सो के आए नहीं जाते हैं प्रसाद, अब यहाँ कौन आएगा कौन प्रसाद लेगा, जो सेवा करेगा वो प्रसाद, यहाँ का प्रसाद उस तरह का नहीं जो आश्रम में बढ़ता था, यहाँ सेवा का प्रसाद है, सेवा को ले लो, सेवा का लाभ अलग
और प्रसाद तवा बन जाएगी, आपकी बीमारी खत्म हो, दोनों तरह का लाभ आपको। इसलिए चलो डॉक्यूमेंट बच्चों को लगा के रखा करो। मैं आपको इसीलिए मना करता हूँ कि बच्चे लेकर यहाँ मत आए, एक तो वो सेवा तुम्हें करने नहीं देंगे और दूसरा यहाँ आते पत्ते ये तोड़ते रहेंगे तो बजाय लाभ को आपको नुकसान हो जाए। लाओ तो अगर देखभाल रख सको तो इनको लाओ, मना नहीं लाने के, लेकिन आप देखभाल रखते रहो या नुकसान कर जाएगा। ये डालों पर बैठ जाएंगे तो डाले वो नीचे झुक जाएंगे, जमीन पर टच हो जाए। ये सब देख रेख करने की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं आप बंद करके आ जाए, ये सब देख रेख और सबकी जिम्मेवारी। ये बगीचा आपका है, आपके धन की सेवा से ये खरीदा गया और इसका लाभ सबको लेना चाहिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये जवाब और आपके लिए काम किया जाए। जय गुरुदेव।